हेलो एवरीबॉडी, नदीम राजा टेरेस गार्डन में एक बार आपको मोस्ट वेलकम है। आज हम जिस प्लांट्स की बात करेंगे उसको हम प्लांट्स को कहते हैं एलिफेंट्स ईयर कह सकते हैं, कोलोशिया कहेंगे, या फिर हम इसको अरवी का पत्ता कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि वो कितना बड़ा है ये पत्ता। ये तो ये पत्ता काफ़ी बड़ा है, चूँकि ये क्या होता है, ये जो प्लांट्स होता है वो इसके बल्ब होते हैं, और ये बल्ब जो होते हैं वो ज़्यादा करके हमारे समर में ग्रो करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लगा हुआ है ये जो है डब्बे में, तो काफ़ी ये बड़े बड़े पत्ते हैं। गर्मियों के दिन में ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। इसके अलावा मैंने कई जगह इसको लगाया हुआ है, जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पे भी लगाया हुआ है, यहाँ पे भी कई जगह छोटे छोटे वाले में लगाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे इसको, तो ये पत्तियाँ जो होती हैं काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन और इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। हमारे लिए हेल्थ की बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये आदि काल से ही इसका सब्जी के रूप में इस्तेमाल होते रहा है, भोजन बनाने के रूप में। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि ये किसी प्रकार की मिट्टी में भी लग जाती है, लेकिन ये है कि मिट्टी हमारा थोड़ी ड्राई होना चाहिए, भुरभुरी होना चाहिए। जितने ज़्यादा हम वर्मी कंपोस्ट की मिट्टी यूज़ करेंगे या काउडंग का यूज़ करेंगे, तो उतना हमारा ज़्यादा ये पत्तियाँ ग्रोथ होती है। तो जैसे विंटर आता है तो इसको क्या हो जाता है कि आपका ये सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है, तो इसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती, बस बल्ब सेच रह जाता है। इस बल्ब को हम दूसरे जगह भी प्लांट कर सकते हैं। तो हम हेल्थ बेनिफिट की एक बार बात कर लें कि ये पत्तियाँ जो होती हैं इसको हम क्या करते हैं, बहुत सारे व्यंजनों में इस्तेमाल करते हैं। पत्तियाँ में क्या हो जाता है, सबसे पहले हम बात करें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट होता है। ये हार्ट को हमारे क्या करता है, मजबूत बनाता है, और हार्ट का जो होता है अगर उसके जो उसको रोकने का प्रयास करता है अटैक को। इसके अलावा क्या हो जाता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, क्योंकि हम पत्तियाँ से हमारे जो स्टमक में गंदगी या कचड़े हैं वो इजीली डाइजेस्ट होता है, यानी अपच की समस्या को दूर करता है। इसके अलावा हमारी इम्यून को बढ़ाता है, हमारी जो भी इम्यून को ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे अगर हमारी आंखों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारी आंखों की रोशनी को ठीक करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। इस तरह कई सारे बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स है, फाइबर्स है, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है पौधे। और इसको क्या होता है कि हम ज़मीन पर अगर लगाते हैं तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा इसके बल्ब से नए नए हमारे पौधे निकल आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे हैं, एक पौधे से हमारे कई सारे छोटे छोटे पौधे निकलते हैं। तो इस तरह से ये एक पौधे से कई सारे हमारे पौधे निकलते रहते हैं। तो हमको क्या करना रहता है, हम इसको क्या करें, टेरेस पे भी अपने यूज़ कर सकते हैं, हम अपने छतों पे लगा सकते हैं, गमले में। हाँ, कि जब ज़्यादा प्लांट्स हो जाए तो हमको एक ही प्लांट्स लगाना है, और इस तरह से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम इसको बांट करके छोटे छोटे जगह पर ज़्यादा लगा देंगे, तो इसकी हमारी संख्या ज़्यादा होगी, तो आसानी से हम अपने छतों पर भी इसको उगा सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।